हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 7 अगस्त शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय करियर लव लाइफ और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे, तथा इस दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियों के साथ साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताएंगे, तथा किस प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, माता लक्ष्मी आपके जीवन में किस प्रकार से खुशियां ला सकते हैं, आपके धन दौलत में किस प्रकार से इजाफा हो सकता है, और आपके सोचे गए कार्य कब तक पूरा हो सकते हैं, माता लक्ष्मी किस प्रकार से आपके घर में निवास कर सकती हैं, आपको बताएंगे आपके व्यापार के बारे में, करियर के बारे में, तथा आपने जो लोन या उधार या कर्ज ले रखा है उनसे किस प्रकार छुटकारा प्राप्त होंगे, और पैसों से जुड़ी आर्थिक तकलीफों से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो सकता है, आपको बताएंगे। सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज यानी 7 अगस्त शुक्रवार के दिन मिश्रित परिणामों के प्राप्ति होंगे। आज आप जो भी बोलें बहुत ही सोच समझ कर बोलने का प्रयास करें, बहुत ही सोच समझ कर कार्य को करने की कोशिश करें। कार्यस्थल में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचने की ज़रूरत रहेंगे। आपकी आमदनी भी अच्छी खासी और निरंतर बनी हुई रहेंगी, लेकिन खर्चे भी आपके बने रहेंगे। ऐसे में आमदनी और खर्चों पर भी आपको दोनों को संयम बनाने की ज़रूरत रहेंगी। आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। पारिवारिक माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको चिंतन भी करना पड़ सकता है। समस्याओं का प्रतिरोध करने की कोशिश करें। आपको अपने समस्याओं को अपने ऊपर हावी होना देने से बचने का प्रयास जरूर करने होंगे। आज आप कुछ मुश्किल हालातों, बीमारियों या फिर किसी बड़ी मुसीबतों से निकलने में सफल होंगे। आत्मशक्ति को इकट्ठा करके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए आपका समय काफ़ी उत्तम रहेगा। व्यावसायिक और व्यापारिक निर्णय संदर्भ में भी आप पिछली गलतियों से सबक ले सकते हैं, और अनुभवी जनों की सहायता से निर्णय लेना भी आपके लिए शुभ रहेगा। आर्थिक स्थितियां भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेंगी। आज जीवन साथी के साथ मनोरंजक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। प्रेम विषयों में भी आपकी स्थितियां यथावत बनी रहेंगी। मित्र भी इस समय आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसे में मित्रों से भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेंगी। मित्रों की पहचान करना आपके लिए आवश्यक हो सकता है। आज यात्राएँ अधिक होंगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने सीनियर अधिकारियों से सहायता और पुरस्कार दोनों प्राप्त हो सकते हैं। आज आप अपने कार्यस्थल पर प्रशंसा के पात्र रहेंगे, जो आपकी संतुष्टि को बढ़ाएंगे, क्योंकि आज ही के दिन आपको विशेष रूप से कामकाजों को सहारा करने के मौके प्राप्त होंगे। आर्थिक संदर्भ में त्वरित पैसा बनाने की योजनाएं या आकर्षक प्रस्तावों से दूर रहना आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इनसे आने वाले महीनों में आपको समस्याएं हो सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपके कुछ गलतफहमियां घरेलू माहौल को कड़वाहट बना सकती हैं। अगर किसी को प्रपोज करने की योजना है तो ऐसा करने के लिए आपका समय आदर्श रहेगा। आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का कारण हो सकता है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य का दिन देखभाल जरूर करें। आज आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार कर पाएंगे और आपको यश के सहज प्रगति होंगे। व्यवसाय में उन्नति और आपकी वित्तीय स्थितियों में काफ़ी सुधार हो सकता है। आज आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्ण सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी शुभ रहेगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होंगे। आज आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं, जो आपके जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने में आपकी सहायता कर सकता है। आपके परिवार में कुछ शादी या समारोह या फिर मांगलिक कार्य हो सकते हैं। व्यवसाय में कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आप नए साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। व्यापारिक संदर्भ में भी आपका आर्थिक योजनाओं को आपको विशेष परिश्रम के बाद पूर्ण और संपन्न करने के मौके भी प्राप्त होंगे। आप महत्वपूर्ण लोगों को प्रभावित कर सकते हैं एवं उनके साथ संपर्क को स्थापित कर पाएंगे। वित्तीय रूप से आपका दिन काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने खर्चों को नियंत्रण करने की अति आवश्यकता रहेंगी।
आपके प्रेम संबंधों का खुलासा आपके जीवन साथी के सामने हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपमान और क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में थोड़े से बेइज्जती भी आपको महसूस हो सकते हैं। माता पिता के साथ आपके मतभेद दूर होंगे, माता पिता के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। जटिल समस्याओं का समाधान आपको जरूर प्राप्त होंगे। व्यावसायिक रूप से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारियों को रोजगार के क्षेत्र में अच्छे और बेहतरीन मौके भी प्राप्त होंगे तथा नौकरी पेशा वाले जातकों को भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे। परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश करने वाले या खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को अपने प्रयासों में सफलता जरूर प्राप्त होंगी। व्यवसाय विस्तार की योजनाएं बना सकते हैं। आप अपने समर्पण और कड़ी मेहनत से दूसरों से आगे रहेंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ सकती है और आप उत्साहपूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देंगे। भाग्य का साथ होने से आपके रुके हुए परियोजनाएं पूरी कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और सकारात्मक विकास भी आपको प्राप्त होंगे। भाग्य भी आपका साथ देगा। वित्तीय मामले आसानी से आगे बढ़ेंगे और आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी आपके सामने आ सकता है। सुविचारित निर्णय भविष्य में लाभ दे सकते हैं और कोशिश करें और किसी भी लंबित संपत्ति मामले को आपस में ही सुलझा लें। परिणाम आपके पक्ष में जरूर रहने वाला है। आप में से कुछ लोगों को नए साझेदारी में प्रवेश करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। सिंगल लोगों को भी एक आकर्षक प्रेम प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। सिंगल लोग भी अपने जीवन में अच्छी खुशखबरी को प्राप्त कर सकते हैं। चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच भी आपको प्रगतिशील रास्ता ढूंढना पड़ सकता है तथा परिश्रम ही वो चाबी हैं जो आपके सफलता के द्वार को खोल सकते हैं, आपके जीवन में आपको सफल बना सकते हैं। बेकार की गतिविधियों में आप अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद न करें। वित्तीय निर्णय लेते समय आप अपने खर्चों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि खर्चे ही आपके जीवन में आपको नई गति दे सकते हैं, नई योजनाओं पर ले जाने में आपकी सहायता कर सकते हैं और आप काफ़ी संचारी और अच्छे बने रहेंगे तथा कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। आप काफ़ी सफल होंगे तथा अपने जीवन में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शाम को आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अपने जीवन में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी योजनाओं को शेयर कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी।